करेंगे झंझारपुर आरएस में जल जमाव की समस्या के बारे में। जानते हैं हमारी टीम के द्वारा किया गया जनता से वार्तालाप। अभी आए हैं गाड़ी के से कोई समस्या बहुत समस्या समाधान होगी, पहले गाड़ी रुकती नहीं थी बारिश में। प्रमुख साहब की पहल, स्थानीय प्रशासन की पहल, पंचायत समिति जी का पहल से ये पूरा वो हुआ लास्ट। नाला के सिलाब के लिए रेलवे से बात हो रही है, आगे नाला क्लियर होने के बाद ये नाला सिलाब इस महीना के लास्ट के बाद ये काम नाला सिलाब झांकने का भी काम चालू रहेगा। आपको हमने जिस तरह से अभी वीडियो में दिखाया गया है वो जनता के द्वारा बताया जा रहा है कि हमारे बिहार दक्षिणी पंचायत के प्रखंड प्रमुख और पंचायत समिति के सकारात्मक प्रयास से यह काम जो है सो सफल हो पाया है। हम शंकर जी और सरोज झा पतराई टोल निवासी प्रखंड प्रमुख अपन पंचायत का मुखिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विगत कई वर्षों से इस अंडरपास में भीषण जल जमाव के कारण यहां के व्यापारियों एवं पैदल यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, और खास करके यह मेडिकल हब होने के कारण जो है सो यहाँ पे मरीजों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। विकट परिस्थिति का अतः जो समस्या छे हन जो पूरा मेन मुख्य मधेपुर झंझारपुर मुख्य सड़क का लोग जो डॉक्टर लग जेबाक छे या कोनो भी तरह का परेशानी अ पानि से एतेक समस्या है विगत 3-4 महीना से लोग को भर रहा है। आई छोट छीन पहल जे नाला के अहाँ देख रहा है, नाला विगत मैंने 2 साल से ही बंद छे, नाला का खोल के एहन विकट समस्या का निदान महज किछ खर्चा में और 2-10 दिन के खर्चा में समय दिला से विकट समस्या का निदान भ गया। तो ते दुआरे जते भी जनप्रतिनिधि जते भी प्रशासनिक पदाधिकारी सब से रिक्वेस्ट करे छी जे किछ पॉजिटिव एहने तरह के कोशिश पहल से लोग का अतुका निदान भ सके छी, और 2-4 जगह पानि का जमाव छै और ओहि चीज के लेल अपने सर अनुरोध करै छी जे एहि छोटकी पहल सँ लोक के समस्या के निदान हेतै, तऽ अपने सब पहल करी और एहि के लेल हम तमाम जते भी एहिमे जुड़ल छलहुँ हन एहि चीज के लेल बहुत बहुत धन्यवाद। हम अतुका पंचायत समिति जते भी प्रमुख साहब जते भी छी
एहिमे सब गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद करय चाहे छी अतुका जनता के तरफ से अतः पूरा अनुमंडल मने जते भी रोड सब हर मने मधेपुर लखनऊ पूरा मुख्य सड़क छे मधेपुर के मधेपुर झंझापुर मुख्य सड़क तो सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद एहना जे और दोसरो जगह पानि जमाव छे लागल ओहिपर जरूर अहाँ सब पहल करी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जानते हैं हमारे बेहद दक्षिणी पंचायत के पंचायत समिति के द्वारा जो है सो इस समस्या का निदान किस प्रकार से किया गया है। समिति जी का और प्रमुख जी का मैंने योगदान प्रमुख जी मैं बैठ के काम करवाता हूँ खड़ा होकर भर दिन धूप में। आपने देखा कि हमारे पंचायत समिति के द्वारा दिया गया बयान जो किस तरह से उन्होंने किस कठिनाइयों का सामना करके जो है उन्होंने इस समस्या का निदान किया है। शुरू से अहाँ के जिस दिन से बड़ी लाइन के निर्माण भेले ई अंदर पास में जल जमाव के समस्या एतेक भ गेले जे एहिसँ लोक के ततेक लोक खसऽ लगले मरऽ लगले ततेक पैर हाथ टूटले एतऽ स्थानीय अहाँके पंचायत समिति दिवस कामय जी छथि ओ अपना तरफसँ 4 महीना तक ओ लगातार लेबर राखिकऽ ओ पानिके निदान उपचि नालामे केलकै अपना तरफसँ ओ लेबरके दऽ कऽ केलथि सब सहयोगसँ लेबर खटिकऽ एकरा पानिके निदान कयल गेल हँ। आब एकटा अछि जे एकर जे काज छै से भऽ जाय एहिपरमे ई 5.5 फीट 6 फीट के नाला गहीर छै एहिपरमे ढक्कन जल्दीसँ जल्दी भऽ जाए किएक तऽ एहिपर बड़ जान मालके खतरा छै बस्ती छै। एहिसँ मोन जरूर खुशी भेल जे हमसब मेहनत केलहुँ पंचायत समिति दिवस जीके बहुत सहयोग छनि ताहिमे कतौ कमी नहि छै। कार्य प्रणाली के द्वारा जो है सो हम संदेश देना चाहेंगे अपनी सरकार और प्रशासन को कि भीषण से भीषण जल जमाव की समस्या का निदान जो है सो एक छोटे से नाले के द्वारा भी किया जा सकता है। तो इसी के साथ मैं दीपक कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं और आगे भी जल समस्या को लेकर के आपके साथ जो है सो जुड़ा रहूंगा। मैं दीपक कुमार कैमरामैन एंड एडिटर साजन कुमार के साथ।